On my clock, in this cock, mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. On my clock, in this cock, mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शुभम फिर से स्वागत कर रहा हूँ आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत देखो भाई, मैं कब कर रहा हूँ, लगभग इवनिंग का 6 बजने वाला है। 5:55 ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 6 बजने ही वाला है और मैं कर रहा हूँ मेरा ब्लॉग का शुरुआत। और भाई आज जो बारिश हुआ ना भाई, थोड़ा टाइम से पहले, भाई साहब नेक्स्ट लेवल का बारिश हुआ भाई, नेक्स्ट लेवल का। ये सब देख के आपको आइडिया लग गया होगा भाई किस टाइप का बारिश हुआ है क्या नहीं। और भाई अभी मैं वहाँ से जानने वाला हूँ बिस्सा बंगला गेट। हाँ जी सही सुना आपने, अब और अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ बिस्सा बंगला गेट। अकेला ही जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ आज क्या मेरा प्लान बनेगा क्या नहीं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने माइंड में सेट नहीं किया है कि मेरे को ये करना है, ऐसा कुछ भी मैंने सेट नहीं किया हूँ, ठीक है। बट जब बारिश हुआ है ना भाई, सच बोल रहा हूँ, आज मेरे को ना स्ट्रीट फूड वगैरह खाने का बहुत ही मन करता है। देखते हो वहाँ में क्या मिलता है बढ़िया स्ट्रीट फूड, क्या नहीं, जो भी मिलेगा वो मैं आपको बता दूँगा। ऐसे अगर आप लोगों को पता है कि न्यू टाउन का एरिया में कौन सा बेटर स्ट्रीट फूड है क्या नहीं, थोड़ा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल वहाँ से चलते हैं भाई और बिस्सा बंगला गेट पहुँच कर मैं करता हूँ वीडियो का कंटिन्यू। भाई ये पानी देख के आप लोग आइडिया लगा लो कि भाई किस टाइप का बारिश हुआ है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ वहाँ तक, और मेरे को रोड क्रॉस करके जो बस सब लगा हुआ है ना, ये बस में मस्ट बैठ के मैं चले जाऊँगा तुम्हारा बिस्सा बंगला गेट। भाई ये पानी देख रहे हो भाई किस टाइप का पानी लगा हुआ है भाई वहाँ पे। तो हाँ जी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बिस्सा बंगला गेट के पास। बट भाई साहब देख लो, फिर से बारिश शुरू हो गया भाई, फिर से बारिश शुरू हो गया। और वहाँ भाई वेटिंग करने के लिए बिना कुछ ऐसा है ही नहीं, ये पास में ऐसा कुछ दिखा मैं, अरे यार वहाँ फिर से बारिश आ रहा है। तो हाँ जी फाइनली देख लो मैं पहुँच चुका हूँ बिस्सा बंगला गेट में। भाई साहब ये बारिश के समय ना ये और भी खूबसूरत लगता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई। देख रहे हो भाई ये बारिश के टाइम में और भी खूबसूरत लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है। और भाई साहब बारिश हो या धूप, कोलकाता का ट्रैफिक हमेशा ऐसे ही रहता है भाई। मैं ऑटो में आया, लगभग मेरे को 30 से 40 मिनट्स लग गया भाई पहुँचते। इतना ट्रैफिक, गंदा वाला ट्रैफिक लगा था भाई। और एक चीज़ भाई, अभी आपने काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आएगा, DM आएगा कि शुभम भाई आप बारिश में घूम रहे हो। भाई सच बोलूँ तो मेरे को घर में बैठना, रूम में बैठना, सब मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि पता नहीं भाई मैं बचपन से ऐसा ही हूँ भाई, बारिश हो या धूप हो कुछ भी हो, मेरे को भाई घूमना बहुत ही अच्छा लगता है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। तो डैट इसीलिए मैं आ गया, और ऊपर से आज बारिश हो रहा है ताकि मैं आपको और भी अच्छे से दिखा पाऊँ कि बारिश के वक्त बिस्सा बंगला गेट कितना खूबसूरत लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे भी भाई घर पे हो या रूम पे हो, रह के भी क्या फ़ायदा, कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारा घर में, और रूम में भी ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ वाईफाई है, आप कितना टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी देखोगे भाई। सो दैट मैं सोचा कि नहीं भाई आज बारिश हो रहा है, जब बारिश कम होगा मैं आ जाऊँगा और एक मस्त कंटेंट होगा बारिश का वक्त, आदमी लोग दिखेंगे ना कोलकाता का बारिश कैसा है क्या नहीं। सो दैट भाई साहब देख लो, बारिश का स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लग रहा है अभी। और ऊपर से ना भाई वहाँ खड़े होने के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है भाई, आप लोग देख रहे हो कि ऊपर में इतना बड़ा सा छत है, बट भाई देख लो पानी ना, मतलब हवा हो रहा है ना, सो डेट पूरा यहाँ तक आ रहा है। देख लो भाई वहाँ पर, मतलब मेरा घड़ी वगैरह भी थोड़ा बहुत करके भीग चुका है। और भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप बिस्सा बंगला गेट देख रहे हो भाई, इसके अंदर आपको हैंगिंग रेस्टोरेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आप जा सकते हो, रेस्टोरेंट के अंदर खाना पीना खा के मस्त आ सकते हो, लंच डिनर सब कुछ इसके अंदर में आपको अवेलेबल है। मेरा तो प्लान हो रहा है कि इसको कवर करूँ, पास में है, बट जैसे कि आप लोगों ने देखा था मैं तो पहले आया था, उनका सारी की सारी रूल रेगुलेशन चेंज हो चुका है, तो जब मैं जा नहीं पाया। बट कोई नहीं भाई, मैं बहुत ही जल्दी प्लान कर रहा हूँ वहाँ पर आने के लिए, कोई नहीं भाई। और वहाँ से जो व्यू आएगा ना भाई, एक नंबर का व्यू होगा, ठीक है। अगर आपको इसका ब्लॉग चाहिए तो जल्दी नीचे कमेंट में एशिया नाम बता दो। और भाई साहब ये बारिश तो धीरे धीरे बहुत ही तेज़ हो रहा है भाई, क्या करूँ, अभी रूम भी कैसे जाऊँ वो भी मेरे को टेंशन हो रहा है।
देखता हूँ भाई क्या होता है क्या नहीं। भाई साहब ये बारिश तो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, और अभी मेरे को और भी टेंशन लग रहा है कि भाई ये बारिश अगर नहीं कमेगा तो मैं क्या ही कंटेंट शूट करूँ, क्या ही मैं आप लोगों को दिखाऊँ, पूरा फप्पट हो जाएगा यार भाई साहब। और मेरा पता नहीं मेरा कैमरा अभी पानी भी लग गई शायद इसीलिए ऐसे आ रहा है। तो लो जी कल रात तो और मैं वीडियो में कुछ दिखा नहीं पाया और वीडियो का एंड भी कर नहीं पाया क्योंकि भाई बहुत ज़ोर का बारिश हुआ भाई, लगभग 9-10 बजे तक कंटिन्यूसली बारिश हुआ। तो फिर मैंने क्या किया ना, ओला उबेर सब कुछ दिखा भाई। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब बारिश होता है या फिर लेट नाइट हो जाता है तो ओला उबेर का प्राइस भाई इतना महंगा हो जाता है ना भाई, लेटरली बता रहा हूँ भाई। लाइक मतलब ऐसा फील होता है कि ये लोग हमको लूट रहा है भाई, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। मतलब बिरसा बंगला गेट से मेरा जो रूम है ज़रा नहीं बस 2 किलोमीटर से, और 2 किलोमीटर्स के लिए कल मेरे को ओला का प्राइस भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे 220 और उबेर में 210 ऐसा कुछ दिखा रहा था भाई, जो कि मैं ऑटो में आया था 20 रुपये दे के भाई, 20 रुपये दे के। बट क्या करें कोई नहीं भाई। तो फिर मैंने क्या किया ना, बस में चला गया भाई। बस वाला का प्यार ही कुछ अलग होता है, बारिश में इतना ज़्यादा क्राउड था बस के अंदर, फिर भी वो लोग बोला था आइए ना पूरा खाली है अंदर खाली है भाई ये बस वाले को प्यार ही कुछ अलग ही होता है। और अभी मैं हूँ भाई न्यू टाउन में, आया था मियाँ अमर केक लेने के लिए। एक्चुअली किसी का बर्थडे है, ठीक है कौन नहीं वो तो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, दिखा भी नहीं पाऊँगा। बस ये मान लो कि मेरा कोई सीनियर का बर्थडे है, लाइक मेरा टीचर का एक बर्थडे है, ठीक है, तो उनके लिए मैं केक लेके आया था। तो अभी जा रहा हूँ वहाँ, पहले वो सब काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद भाई कुछ बढ़िया सा ट्राई करेंगे। आज स्ट्रीट फूड खाने का बहुत ही मन करता है, ठीक है पहले बटर कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ भाई। ये की कुछ ऑलराइट गाइस, बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया और उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताया था मेरे पास खाना है, स्ट्रीट फूड खाने का बहुत ही मन करता है। तो ज़्यादा दूर कहीं मैं गया नहीं, पास में एक्सिस मॉल के पास में मैं आ गया, और आते ही इस भाई के पास आ गया। मैं पहले भी उसके ऊपर एक दो वीडियो बनाया था, उनका कबाब भाई मैं लेटरली बोल रहा हूँ ना भाई, गजब का होता है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ और जहाँ तक मेरे को आइडिया है भाई, इनके हिसाब से भाई इनका कबाब भाई गजब का होता है, और वहाँ मेरा कबाब भी बन रहा है। भाई साहब आप कैसे बनाते हो ये गर्मी में, बहुत जोर का गर्मी का हवा आ रहा है भाई। वही तो मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे मैं हाथ लेता हूँ ना भाई। हाँ हाँ यार धूप जैसा हो रहा है उसके बाद भी तुम बना रहे हो, कोई नहीं जब कबाब बन जाएगा फिर मैं उसके बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तो ऑलराइट गाइस फाइनली मेरा कबाब बन का आ चुका है भाई, भाई बहुत जोर का गर्म है अभी। और ये जो चटनी है ना भाई, ये चटनी ही सबसे अच्छा लगता है मेरे को, ये हरी मिर्ची उसके साथ में दही मिला के बनाता है एक चटनी, गजब लगता है भाई। रुको अभी उसको ट्राई करके मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसा है कैसे नहीं भाई। एक नंबर, अंदर में पूरा जूसी है भाई। और सबसे अच्छा बात यह है जितना उसको रोस्ट करना चाहिए भाई ने पूरा बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट करके दिया है मेरे को। मैं बता रहा हूँ ना भाई, कभी भी अगर आप एक्सिस मॉल आ रहे हो ना भाई, जस्ट एंट्री में भी ये भाई का दुकान देखने को आपको मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई करना भाई। भाई ये लेग पीस एक बार देखो, अंदर दिखाई देता है ना भाई कितना जूसी है भाई, पूरा जूसी है। और असली जादू ना भाई ये चटनी करता है भाई, चटनी गजब का है। और साइज भी देखो भाई, 70 रुपीज़ भाई प्राइस कितना है, 70 ना, 70 रुपीज़ के हिसाब से ऐसा टैंगड़ी और कहाँ मिलेगा भाई, वो भी लेग पीस। अगर और कहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, वो भी मैं ट्राई कर लूँगा। फिलहाल कुछ नहीं इसको ख़त्म करता हूँ, और कुछ अगर ले रहा हूँ तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले उसको ख़त्म करते हैं। तो ऑलराइट कबाब वगैरह खा चुका हूँ मैं, और गया था लाइफस्टाइल में। एक्चुअली मेरा जो वॉच का बॉक्स है ना वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो मैं भाई के पास गया, मैंने उनको बोला था पहले भी
कि मेरे को एक वॉच चाहिए, सॉरी वॉच का बॉक्स चाहिए। तो मेरे को बोला था कि कोई नहीं आप आ जाइए, मैं आपको दे भी दूंगा। फाइनली बॉक्स मिल गया, लेकिन कैरी बैग के लिए बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा। बॉक्स काउंट नहीं होता है, लेकिन कैरी बैग काउंट होता है। पता नहीं कोई ना, अभी उसको ऐसे हाथ में ही लेकर जाना पड़ेगा। और एक चीज़ भाई, ये वाला ब्लॉग को मेरे को अभी से यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसका जो नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा ना, बहुत ही अच्छा वाला ब्लॉग होगा। किसी को मिलने के लिए जा रहा हूँ मैं, कौन है कौन नहीं हो सब कुछ आपको पता चले जाएगा, ठीक है। मतलब इस दिन के लिए ही तो मैं इंतज़ार किया था, ठीक है। तो भाई यहाँ तक अगर ब्लॉग देख रहे हो तो अगला ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर लेना, और अभी तक केवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।